आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। बर्फ आई मगर साथ में मुसीबत लाई, शीतलहर की आगोश में उत्तराखंड। मसूरी से लेकर केदारनाथ, बद्रीनाथ से लेकर नैनीताल तक भारी बर्फबारी। दर्जनों सड़कें बंद, आज भी हिमपात के आसार। उत्तराखंड में मौसम के बदले मिजाज के बाद बर्फबारी, बारिश और ओलावृष्टि का सिलसिला जारी है। मसूरी, नैनीताल, चक्राता, हर्षिल, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब समेत हर्षिल, ओली, तुंगनाथ में भारी बर्फबारी हुई है। यहां चारों ओर पहाड़ियां बर्फ से लकदक हो चुकी हैं। केदारनाथ में 2.5 फीट से अधिक बर्फ जम गई है। रुद्रप्रयाग के तुंगनाथ, मध्यमदेश्वर और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में दूसरे दिन भी भारी हिमपात हुआ। चमोली जिले में 2 दिन से हो रही बारिश और बर्फबारी के चलते 3 सड़कें बंद पड़ी हैं। इधर बर्फबारी के बाद बद्रीनाथ हाईवे पांडुकेश्वर से बद्रीनाथ के बीच बंद चल रहा है। शीतकाल में इस सड़क पर सेना, आईटीबीपी, बीआरओ के वाहनों की आवाजाही बनी रहती है। उत्तरकाशी में बर्फबारी और बारिश के चलते 50 से अधिक गांवों में बिजली आपूर्ति पूरी तरह से ठप पड़ गई है। बीते 2 दिन से राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में रुक रुक कर भारी हिमपात हो रहा है, तो निचले इलाकों में झमाझम बारिश और कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हुई है। मौसम विभाग की माने तो आज भी ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी की संभावना है। ऐसे में भले ही देर से हिमपात हुआ मगर साथ में मुसीबतें भी बढ़ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत टीवी।